हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल SMK गार्डन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम सेम के बीज को आसानी से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने 4 सेम के बीज लिए हुए हैं और इनको मैंने 2 दिन पानी में भिगो कर रखा था और देखिए, पानी में ही हल्के से ग्रो होने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, इनकी ग्रोथ पानी में ही शुरू हो गई थी। अब हम इनको मिट्टी में ग्रो करेंगे। तो यहाँ मैंने नूडल्स के 3 गिलास लिए हुए हैं और इन गिलास में ही मैं ये बीज लगाऊंगी। तो चलिए, पहले हम इन गिलास में मिट्टी भर लेते हैं और यहाँ मेरे गिलास मिट्टी से भरकर तैयार हो गए हैं। अभी दोस्तों, मैंने इन गिलासों में मिट्टी और कोकोपीट डाला है, बाकी और कोई खाद वगैरह नहीं डाला है। तो चलिए, अब हम ये बीज इसमें ग्रो करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने इन बीजों को बिल्कुल सीधा इसमें रख दिया है और इसी तरह मैं सारे बीज इनमें लगा दूंगी। तो दोस्तों, 1 गिलास में मैं 2 बीज लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 3 ही गिलास हैं और बीज 4 हैं, तो मैं 1 गिलास में 2 बीज ग्रो करूंगी। और ये देखिए, 5 दिन बाद ये बीज कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। आज 5 दिन इनको हो गए हैं और 5 दिन बाद ये काफ़ी अच्छे मिट्टी से बाहर निकल आए हैं। ये देखिए, इसमें 1 बीज अभी कम निकला है और दूसरा वाला खूब अच्छे से बाहर निकला हुआ है। इसी तरह जो मैंने 3रे गिलास में बीज लगाया था, ये देखिए, ये अभी मिट्टी से बाहर नहीं निकला है लेकिन ग्रो होना शुरू हो गया है। और मैं अब आपको और 3 दिन बाद की अपडेट दिखाऊंगी। तो अब ये देखिए, इनको 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन बाद में इनकी पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं। ये देखिए, इसमें अभी पत्तियां नहीं निकली हैं और जो 3रा वाला बीज मैंने लगाया था उसकी भी अभी पत्तियां नहीं निकली है, लेकिन वो मिट्टी से बाहर निकल आया है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान होता है सेम के बीज को ग्रो करना। आप भी इसी तरह सेम के बीज ग्रो करें, बहुत आसान होता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।